नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। आज का जो हमारा निःशुल्क कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नंबर 60 है, 60वें नंबर का कार्यक्रम हम बना रहे हैं। 400 जन्म कुंडली का अध्ययन आज तक हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम में जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 401 401वीं जन्म कुंडली आज के इस कार्यक्रम में होने वाली है। अगर आप इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं या फिर आप नए दर्शक हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। और दूसरी चीज़, आशा करता हूँ कि शॉर्ट्स वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं या जो आपको रोज़ मिल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अब हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये गौरव प्रजापति की है। तो गौरव जी, आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली मैं ले रहा हूँ। 10 फरवरी 1994, जन्म का समय है 13:20 और जन्म स्थान है बूंदी, राजस्थान। गौरव जी, आप वृषभ लग्न के हैं और राशि आपकी मकर बनती है, तो भूमि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि, ये तो ठीक है। क्या पूछा है आपने? आई हैव कंजक्शन ऑफ सन मून एंड मार्स इन नाइन्थ हाउस। इन्होंने कहा है कि मेरी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की युति है नवम भाव में। जी बिल्कुल है। एंड सैटर्न, वीनस एंड मर्क्यूरी इन 10th हाउस। शनि, बुध और शुक्र की युति है जन्म कुंडली के दशम भाव में। बट आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स टिल नाउ, ईदर इन गवर्नमेंट एग्जाम नॉर इन एक्टिंग। आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर एंड वॉन्टेड टू स्टडी एक्टिंग फ्रॉम FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो होता है। एंड आई एम वेल क्वालिफाइड पर्सन बट माई डेस्टिनी इज स्टिल ब्लॉक्ड। तो इसके लिए जन्म कुंडली के ग्रह योग को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप खुद ही में कंफ्यूज है ना। अगर आप चार जगह एक साथ फावड़ा मारेंगे तो पानी कहाँ आएगा? आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब आप एक्टिंग की तरफ भी जाना चाहते हैं, FTII की तरफ भी आप जा रहे हैं इसमें करियर बनाने के लिए, और आप सरकारी नौकरी भी पूछ रहे हैं, तो दोनों क्षेत्र टोटली अपने आप में अलग अलग हैं। अगर आप आज के इस परिवेश में अगर आप सरकारी नौकरी की ही बात करें तो आसान है क्या? लोग तीन तीन चार चार छः छः साल लगा दे रहे हैं तब भी जा करके उनकी सरकारी नौकरी नहीं हो रही। कारण, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, सरकारी पद में जो पोस्ट निकलती हैं उसमें भी कमी आई है। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें फिल्म इंडस्ट्री में जाने की या टेलीविजन इंडस्ट्री में जाने की, तो वहाँ तो कंपटीशन ऑलरेडी है, साथ ही साथ वहाँ नेपोटिज्म भी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी स्थिति क्या है? सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आपकी जो बैकग्राउंड है, कोई गॉडफादर है आपका, तब तो आपका फिल्म इंडस्ट्री में विचार किया जाए। दशम के शुक्र को देख करके अगर कहा भी जाए कि फिल्म इंडस्ट्री में आप जाएँ, हालांकि वो दशम भाव में शुक्र तीन अंश पर बैठे हुए हैं, बाल्यावस्था में हैं और शनि के साथ हैं, साथ ही साथ किसी भी अगर देखा जाए तो वो अपने दिग्बल चतुर्थ में वो दिग्बल ही होते, तो दिग्बल से सर्वथा विहीन है। षडबल में बल है उनके पास में, परंतु कोई बहुत ज्यादा बल उसको नहीं कहेंगे। और लग्न में केतु का होना सूर्य और चंद्रमा की युति मानसिक अशांति का कारण बनेगी। चंद्रमा और सूर्य की युति पर केतु की दृष्टि का पड़ जाना कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में परेशानी तो देगा, बात ये रही। दूसरी चीज, 94 का आपका जन्म है और दशमस्थ शनि है, शश महापुरुष योग है। शश महापुरुष योग में क्या होता है? वृषभ लग्न की कुंडली में शश महापुरुष योग, चीज़ें मिल जाने। जो ग्रह योग का आपने बात की कि तीन ग्रहों की युति नवम में और तीन ग्रहों की युति भाग्य भाव में बनी हुई है, नो डाउट, लेकिन शश योग है और शश योग होने के चलते क्या होता है? विलंबित चीज़ें प्राप्त होती हैं, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। वैसे भी दशम के शनि का प्रभाव मैंने बताया। दूसरी चीज़, आप वृषभ लग्न के हैं। अब वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में गुरु की महादशा का चलना, जो कि यहाँ पर मार्केश के रूप में देखे जाएंगे, अष्टमेश और लाभेश। तो अष्टमेश तो आप जानते हैं, लाभ भाव छठे से छठा है, जिसके चलते गुरु की दशा, तो समय भी आपके फेवर में नहीं है। मकर राशि होने से 7.5 शनि चंद्रमा का दूसरे बारहवें का संबंध, तो ग्रह योग तो है लेकिन समय नहीं है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में, या हो सकता है लाइव के जो ये फ्री हॉरोस्कोप एनालिसिस का जो प्रोग्राम होता है, या बृहद में कहीं मैंने इस बात का जिक्र किया है,
जो रेगुलर देखते हैं वो दर्शक जो हैं जो रेगुलर प्रोग्राम्स देखते हैं वो जानते होंगे कि जन्म कुंडली में अनेकों राजयोग लगे हों। मैटर नहीं करता अगर आपको महादशाएं या आपका वक्त सही नहीं चल रहा है, तो आपको दशा ही आपके फेवर की नहीं मिली है। गुरु की दशा, इसके पहले आप राहु की दशा देख रहे थे, वो भी नीच राशि में बैठे हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, तो समय नहीं है सही। अब आप देखिए कंफ्यूजन में है। सबसे पहले तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि एक्टिंग की फील्ड की तरफ एकाएक आप ना जाएं, क्योंकि दशा आपको गुरु की है। शुक्र का जो बल होना चाहिए वो मैं आपकी कुंडली में नहीं देख पा रहा हूँ। दशम में शुक्र शनि की युति है और वो भी बहुत ज्यादा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बहुत अच्छा। और तो और नवमांश में शुक्र मंगल के घर में मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं। एक्टिंग की तरफ टोटली हटिए। सूर्य बैठे हैं भाग्य भाव में जरूर जाकर के बाल्यावस्था में है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में उच्च राशि में। अब वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल कोई कारक ग्रह तो नहीं है, लेकिन उच्च राशि में बैठे हैं और सरकार के क्षेत्र में इनका भी पकड़ होती है। सूर्य मंगल की युति व्यक्ति को पराक्रमी बनाती है। हालांकि अंश बल में कमजोर है लेकिन फिर भी ठीक है। और चंद्रमा सूर्य की युति, तो अमावस्या का जन्म होने के चलते, केतु की दृष्टि पड़ने के चलते मानसिक अशांति, कंफ्यूजन, अज्ञात भय आपके अंदर है कि आप स्थिर नहीं हो पाए हैं। लग्न आपका स्थिर है, राशि आपकी चर है। अपने लग्न के प्रभाव को जागृत करिए, थोड़ा स्थिर होइए, सरकारी क्षेत्र की तरफ ही प्रयासरत होइए। बैंकिंग के क्षेत्र में अगर आप प्रयास करें तो आपकी जन्म कुंडली में अप्रैल 2023 के बाद में बैंकिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी होने का योग है। तो आप बैंकिंग की तरफ अपना जी जान लगा दीजिए, तैयारी करिए और सरकारी नौकरी लीजिए। एक्टिंग की तरफ आप मत जाइए, एक जगह स्थिर होइए, सूर्य की आराधना करिए और गाय को हरा चारा दिया करिए शुक्रवार से प्रारंभ करके रोज, तो ये आपके लिए उचित है, इसको करिए आप। अगली जन्म कुंडली है धनंजय सिंह जी की, तो धनंजय सिंह जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 2 अगस्त 2002। अच्छा, आजकल यंग लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और अपनी जन्म कुंडली को समझने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कि पहले के समय में क्या होता था कि जो उम्रदराज लोग हैं या जो ओल्ड एज के लोग हैं वही ज्योतिष में, लेकिन आज मैं देख रही जैसे यही जन्म कुंडली देखी 2002 की, अगर मैं एवरेज निकालूं इन 400 जन्म कुंडलियों में, तो जो बहुत कम उम्र के लोग हैं उनकी जन्म कुंडलियाँ यहाँ पर 70% हैं। तो वो रुचि भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जानना भी चाह रहे हैं ज्योतिष को, अपनी जन्म कुंडली को समझ करके मार्ग लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। सुबह के 9:15 रीवा से है मध्य प्रदेश। कन्या लग्न की आपकी कुंडली है, राशि आपकी मेष बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है, जीवन में क्या कब पैसे कमा पाऊंगा और करियर कैसा रहेगा। इस उम्र के लोग अक्सर यही पूछते हैं। आपकी कुंडली में लाभपति अष्टम में है, धनपति लग्न में बैठे हैं। हालांकि अंश वाइज कमजोर है दोनों ही ग्रह, लेकिन लग्नेश जाकर के लाभस्थ हैं। अब लग्नेश का जाकर के लाभ अभाव में बैठना जाता, का व्यक्तित्व ही लाभ में चला गया है, अर्थात ऐसा व्यक्ति आजीवन धन कमाने के लिए प्रयासरत रहेगा। दशमपति लाभ में है, लाभपति अष्टम भाव में बैठे हैं जाकर के। और लग्नपति जो आपके बुध है नवमांश में नीच के हो गए, तो जीवन काल में संघर्ष तो रहेगा। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल की महादशा भी आपको संघर्ष कराएगी, तो संघर्ष रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें, तो कन्या लग्न होने के चलते मैनेजमेंट का गुण आपके अंदर है, उग्रता को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा इम्पेशेंस को जो है आपके अंदर इम्पेशेंस ही बहुत होगी क्योंकि उसको कम करें, क्योंकि दशम में शनि है तो आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना होगा। अगर आप पेशेंस इत्यादि के साथ में आगे बढ़ते हैं तो 3-4-5 साल का समय आपको लगेगा और उसके बाद में इस कुंडली में करियर की स्थिति को मैं अच्छा देख रहा हूं। तो पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संघर्ष रहेगा, तो अगर आप आगे बढ़ने का इच्छा रखते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में हैं, तो संघर्ष होना तो स्वाभाविक है, बिना संघर्ष के सफलता संभव नहीं है। मंगल की दशा है, हनुमान जी की आराधना करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पिता का सम्मान, पिता का अपमान भी हो सकता है आप कर देते हो, तो पिता का सम्मान करते रहिए। और अपना जो भी आपने क्षेत्र, क्योंकि आपने बताया नहीं है, तो जो भी आपने चुना है उसको लेकर के एक दिशा में अगर आप आगे बढ़ें, कन्फ्यूजन्स को हटाएं, क्योंकि द्विस्वाभाविक आपका लग्न है और लग्नपति नवमांश में नीच के हैं, तो कन्फ्यूजन्स की को जितने कन्फ्यूजन्स हैं उनको कम करके कोई एक मार्ग चुन करके उसमें आगे बढ़ें, वो आपके लिए उचित रहेगा। और धन इत्यादि को लेकर के अगर मुझे लगता है कि आपका करियर सेट होता है, तो धन को लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। और अगली जन्म कुंडली निखिल अग्रवाल की है, तो निखिल जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली मैं ले रहा हूं। 24 जुलाई 1981
रात के 12:45 और मुंबई। मेष लग्न है आपका, मीन राशि है। फाइनेंसेस कैसे होंगे? फाइनेंशियल सिचुएशन अभी दिक्कत है। धनेश पंचम में है, लाभेश षष्ठ भाव में बैठे हैं जाकर के, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है षष्ठ भावस्थ शनि देव पर। ऋण कितना है आपके ऊपर? ऋण है, अगर ऋण में आप एक बार पड़ चुके हैं, लोन है अगर आपके ऊपर, तो ईएमआईज में ही आपका पैसा जाएगा। लग्नपति पराक्रम में है, पराक्रम पति के साथ में है, और नवमांश में मंगल उच्च के हैं। देखिए, नवमांश में मंगल का उच्च का होना और मंगल की दशा जो आपको लगेगी 2025 में, और अगर आपने फाइनेंशियल कंडीशन का पूछा तो अप्रैल 2023 के बाद में आपकी कुंडली में फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक होने के योग बनते हैं। बात आती है मंगल की महादशा की, तो मंगल की महादशा को मैं आपकी कुंडली में अच्छा समझता हूं, क्योंकि लग्नपति होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं जहां पर भी कारक होते हैं, और नवमांश कुंडली में मंगल का उच्च का होना आपके लग्न को अत्यंत बल प्रदान कर रहा है। तो ठीक है, ये फाइनेंशियल कंडीशन में अभी दिक्कत इसलिए है कि 7:30 की भी आपकी शुरुआत हो रही है, और चंद्रमा की दशा, चंद्रमा चतुर्थपति होकर के व्यय भाव में बैठे हैं, तो खर्च की अधिकता हो गई होगी। हो सकता है ऋण में आप फंस चुके हो, तो ईएमआईज में आपका पैसा जा रहा हो। कोई स्पेशल उपाय करने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य घी का दिया जला करके श्री सूक्त का 3 पाठ करना प्रारंभ करिए, ये आपके लिए जरूरी है समय पर। और अगली जन्म कुंडली है संजय वागड़िया जी की, तो संजय जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में दे रहा हूं 31 मार्च 1995 दोपहर के 2:45। जन्मस्थान है राजकोट, गुजरात। कर्क लग्न है, मीन राशि है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। 1994 का जन्म है आपका। लग्नपति भाग्यस्थ है और भाग्यपति जाकर के बैठे हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव में, लग्न को देख रहे हैं। पंचमपति लग्न में मंगल जाके नीच राशि में बैठे हैं, नवमांश में धनु में, ठीक। और सूर्य चंद्रमा की युति, आपके साथ भी दिक्कत वही है। सरकारी नौकरी का योग तो है लेकिन मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, कंसंट्रेशन। शुक्र की दशा और कर्क लग्न की कुंडली, लाभपति होके अष्टम में है, शुक्र में राहु का अंतर आप देख रहे हैं। निर्भर करता है आपका जो प्रश्न है, सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, निर्भर करता है। आप प्रयास करते हैं और इंतजार करते हैं, अष्टम के शनि हैं, नीच की दृष्टि दशम पे डाल रहे हैं, और शुक्र में राहु का अंतर, तो बहुत मुश्किल है सरकारी नौकरी मिलना। वैसे चतुर्थ में राहु है, शुक्र में गुरु का अंतर प्रारंभ होगा मई 2025 के बाद में। कितना टाइम है अभी? 3 साल। 3 साल के बाद में आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, जो मैंने कहा ना, निर्भर करता है। अगर आप 3 साल तक लगे रहते हैं तो बिल्कुल 3 साल तक लगे रहिए, तैयारी करिए। लग्नेश भाग्यस्थ हैं और सूर्य भाग्य भाव में बैठे हुए कारक हैं, गुरु की दृष्टि दोनों ग्रहों पर पड़ रही है, कंसंट्रेशन में जो दिक्कतें आ रही है वो उपाय करके कम हो जाएंगी, मैं जानता हूँ। और 3 साल अगर आप धैर्य का परिचय दें, क्योंकि मंगल लग्न में बैठा है, वो भी नीच राशि का, धैर्य तो आपके अंदर है नहीं, धैर्य का परिचय अगर आप देते हैं और धैर्य के साथ में 3 साल का इंतजार आप करने का मुझसे करते हैं कि हाँ मैं इंतजार कर लूंगा, तैयारी कर लूंगा 3 साल, तो बेशक आप सरकारी नौकरी ले लीजिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते इंतजार, नहीं कर सकते पूरा फोकस आप उस जगह पर, तो फिर आप प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी लेकर के आगे बढ़ जाइए, वो आपके लिए उचित होगा। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है आपको, गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के स्नान करिए, पूर्णिमा और एकादशी दोनों का उपवास किया करिए। तो पूर्णिमा माह में एक बार, एकादशी 2 बार आती, तो माह में 3 उपवास आपको बताए हैं, उनको करिए, वो आपके लिए उचित है। और अगली जन्म कुंडली है मोहित शर्मा की, तो मोहित जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं 22 अगस्त 1999। जन्म का समय है सुबह के 6:45, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बहुत से दर्शक हैं, अगर आप मिल करके जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहें तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, धनु राशि आपकी। मैं बैंक के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा हूं, इसमें कब तक सफलता मिलेगी, जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी और भविष्य कैसा रहेगा? सिंह लग्न के हैं आप और लग्नेश आपके लग्न में ही बैठे हैं, सूर्य मूल त्रिकोण के हैं, बाल्यावस्था में है लेकिन षडबल में अत्यंत बलवान है, क्योंकि लग्नपति होकर के लग्न में है,
गुरु की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं तो उनको दीर्घ बल भी मिल रहा है, जन्म आपका प्रातः काल का है तो सूर्य को बल मिल रहा है, साथ ही साथ 22 अगस्त तो रविवार का दिन जन्म होने के चलते सूर्य को षडबल में अत्यंत बल मिल रहा है। दशमपति शुक्र लग्न में जाकर के बैठे हैं, अस्त अवस्था में हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, क्योंकि आपका लग्न अत्यंत मजबूत है। भाग्य भाव में गुरु बैठे हैं वो भी ठीक है। सरकारी नौकरी का योग है और बैंकिंग के क्षेत्र में भी सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन आपने जो पूछा जीवन काल में धन कैसा रहेगा, तो धन आता जाता रहेगा, छोड़ नहीं पाएंगे आप धन। धनपति बाहर पे बैठे हैं, आप समझ गए होंगे सूत्र को, राहु के साथ हैं, गैर कानूनी कार्य से बचिए और बैंकिंग सूर्य की दशा ही आपको है, बिल्कुल आप 100% एफर्ट्स अपना लगा दीजिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो बिल्कुल सरकारी नौकरी ले सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में भी सरकारी नौकरी होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, आप बिल्कुल ले सकते हैं। बुध का बलाबल है आपकी कुंडली में और आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बैंकिंग के फील्ड में सफल होने की संभावनाएं आपकी कुंडली प्रबल दिखाती है। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, नित्य एक माला जाप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज करिए, सूर्य को जल दीजिए और पिता का सम्मान, ये चार उपाय हैं आपके लिए, इनको करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बैंकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, ये योग है आपकी कुंडली में अगर आप प्रयास करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया गया है वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3 महीने का वक्त लगेगा, उसके बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाएगा। मैं बोलता नहीं हूँ तो आप लोग करते भी नहीं है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ज्योतिष जो है वो पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ये जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, पुनः आप सभी के समक्ष में उपस्थित रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।